हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम क्यूकम्बर, बॉटल गोर्ड या रीच गोर्ड जैसे वाइन क्रॉप्स को बड़ी आसानी से अपने छत पर कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं और इससे ढेर सारा हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे क्यूकम्बर सीड्स है, ये रीच गोर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रीच गोट की जो आउटर शेल है ये बहुत हार्ड होती है, और ये है लॉकी या बॉटल गोट, इसकी भी सेम, इसकी जो आउटर कवरिंग बहुत एक हार्ड कोटिंग यहाँ पे रहती है। इसलिए जब आप ऐसी वेजिटेबल्स उगाएंगे जिनके सीड्स की कोटिंग, आउटर कोटिंग हार्ड हो, तो कोशिश कीजिए कि इनको एक रात तक पानी में भिगो के रखिए। मैंने चार सीडलिंग पॉट्स तैयार किए हैं, मुझको चार क्यूकम्बर के पौधे चाहिए तो इसलिए मैंने चार किए हैं। आपको जितना चाहिए आप उतने ही सीडलिंग पॉट्स तैयार कीजिए, और हर पॉट में हम तीन सीड करके लगा देंगे। उनमें से जो हेल्दी सीड होगा, सीडलिंग होगा, उसको रख के बाकी को आप काट के हटा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, आप किसी पेंसिल या किसी चीज़ से एक हाफ इंच जैसा डिप्रेशन बना लीजिए। अब हर एक में हम सीड्स दे देंगे। थोड़ा सा पानी दे देंगे। अब देखिए, मैंने दो सीड पॉट्स लिए हैं अपनी बॉटल गोट प्लांट के लिए, मुझे सिर्फ दो ही प्लांट्स चाहिए, तो इसलिए दो सीड पॉट, और हर एक सीड पॉट में हम दो सीड्स देंगे। इसके लिए हमें जो इसकी जो लेंथ है इसके डबल साइज की डेप्थ बनानी है, तो आप इतना सा एक इंच जैसा आप डिप्रेशन बना लीजिए। अब ऊपर से अच्छी तरह से पानी दे देंगे। हमेशा ख्याल रखिए कि सीड पॉट्स कभी सूख ना जाए, नहीं तो आपकी जर्मिनेशन ठीक ठाक तो नहीं होगी। अब देखिए, मैंने चार सीड पॉट्स लिए हैं अपने रीच गोट प्लांट्स उगाने के लिए। फिर से देखिए, इसकी जो लेंथ है आप याद रखिए, इसकी लेंथ से डबल हमें डिप्रेशन करने हैं हमेशा। फिर से ऊपर से पानी दे दीजिए। देखिएगा इसकी जो पॉटिंग जो मिक्स है, सीड पॉट की जो मिक्स है, ये एकदम सॉगी ना हो जाए। इसको मॉइस्ट रहना है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास रीच गोर्ड, क्यूकम्बर और बॉटल गोर्ड के कुछ सीडलिंग्स हैं जिनको अभी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। ये मेरा बॉटल गोर्ड का सीडलिंग है,
अब हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। याद रखिए इसको इतना सा ही मिट्टी होनी चाहिए इसमें, इसे ज़्यादा नहीं। जहाँ से ये सीडलिंग शुरू हुआ है बस उतना सा।